नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है, एट द एंड ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव सेकेंड्स द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, एट द एंड ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव सेकेंड यानी तीन क्रमानुसार सेकेंड में डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट किसी बिंदु की दूरी विच एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन मोशन में मूव करता है फ्रॉम द मीन यानी मिड पॉइंट से मिड पोजिशन, मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन मापी गई है एक ही दिशा में, आर रेस्पेक्टिवली 1, 5 एंड 5, शो दैट द पीरियड ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन इज, मेरे को दिखाना है, मेरे को प्रूफ ये करना है कि टू प्रूव दैट, क्या दिखाना है भाई, टू प्रूव दैट टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू होना चाहिए मेरे पास 2π/θ, और जहाँ cos थीटा इज इक्वल टू है मेरे पास 3/5। ओके, फार्मूले की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम जानते हैं, वी नो दैट मेरे पास फार्मूला होता है बेटा x बराबर a cos अंडर द रूट म्यू इंटू टी। ओके, ये मेरे पास स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। गिवन दैट मेरे को जो दिया हुआ है, गिवन दैट क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि उसकी दूरी पहले वाली दूरी है, देखो आप, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम द मेन पोजिशन मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन आर रेस्पेक्टिवली, कि कहना चाह रहा है कि अगर एक्स इज इक्वल टू मेरा एक्स वन है तो टाइम जो है ना टी इज इक्वल टू टी पर, यानी टी इज इक्वल टू टी पर एक्स इज इक्वल टू है मेरा एक्स वन। ओके, एक्स इज इक्वल टू एक्स वन, और एक्स वन इज इक्वल टू मेरे को कितना दे रखा है, एक्स वन इज इक्वल टू दे रखा है मेरे को 1। क्लियर, अर्थात मेरे को ये गिवन है बेटा, ये मेरे को गिवन है कि जब टी इज इक्वल टू टी है तो इस पर्टिकुलर टाइम में एक्स इज इक्वल टू मेरा 1 है। ओके, तो वैल्यू डालता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ, देखता हूँ क्या होगा। तो मैंने वैल्यू डाली, 1 इज इक्वल टू हुआ एक्स वन की वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू 1 हुआ ए कोस अंडर द रूट म्यू इंटू टी, इक्वेशन 1। अगेन क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि उसकी जो है सेकंड डिस्टेंस क्या है, कहना चाह रहा है कि सेकंड दूरी मेरे पास 5 है। साफ साफ देखो आप, कहना चाह रहा है कि जब टी इज इक्वल टू उससे अगला टाइम है टी प्लस के 1 वाला टाइम है, थ्री कंजुकेटिव सेकंड की बात कह रहा है, देखो आप थ्री कंजुकेटिव सेकंड की बात कह रहा है, और एक्स टू जो दे रखा है टी इज इक्वल टू टी प्लस 1 यानी अगले वाले टाइम पे एक्स टू इज इक्वल टू दे रखा है मेरे को कितने सेकंड, 5 सेकंड दिया हुआ है। क्लियर है ना, एक्स टू की वैल्यू मेरे को दे रखी है 5, वैल्यू डाल लो आप। तो इक्वेशन 1 के अंदर इस ए इक्वेशन के अंदर वैल्यू डालो, रिजल्ट निकालो, ये हुआ मेरा 5 इज इक्वल टू ए कोस अंडर द रूट म्यू टी प्लस के 1, इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, अगेन आगे की बात करता हूँ, कहना चाह रहा है कि जब जब लास्ट सेकंड है टी इज इक्वल टू है मेरे पास टी प्लस के 2, थ्री कंजुकेटिव सेकंड की बात कह रहा है, तो मेरे को जो एक्स बराबर दे रखा है वो दे रखा है, आप इसको एक्स थ्री भी मान सकते हो, बराबर दे रखा है मेरे को कितना, 5। क्लियर, मैंने फिर वैल्यू डाल दी, मेरे पास एक्स थ्री की वैल्यू डाली मैंने, ये हुई 5 इज इक्वल टू ए कोस अंडर द रूट म्यू, और ये हुआ मेरे पास टी प्लस के 2, इक्वेशन नंबर 3। मैं कहना चाह रहा हूँ कि इक्वेशन 1 प्लस 3 करने पर, एडिंग द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, देखो आप इक्वेशन नंबर 1 देखता हूँ कौन सी है, 1 तो है ये, 1 प्लस के कितना 3, 5 इज इक्वल टू 1 का रिजल्ट ए कोस अंडर द रूट म्यू इंटू टी प्लस ए कोस अंडर द रूट म्यू इंटू टी प्लस के कितना भाई 2। ओके, आगे की बात करता हूँ, 5 और 1 6 इज इक्वल टू ए कॉमन ले लिया कोस अंडर द रूट म्यू इंटू टी प्लस के कोस अंडर द रूट म्यू टी प्लस के 2। मेरे पास एक फार्मूला होता है कोस सी प्लस के कोस डी
इज इक्वल टू होता है 2 cos सी प्लस के डी बाई 2 और cos सी माइनस के डी डिवाइडेड बाई 2। इस फार्मूले का यूज़ कर रहा हूँ और रिजल्ट निकाल रहा हूँ, देखता हूँ कितना आता है। कितना आया मेरे पास भाई, यहाँ से सीधा सीधा निकल करके आया मेरे पास, देखो आप 5 और 1 6 तो हुआ, ये 6 तो हो गया, ये 6 इज इक्वल टू ए। यहाँ देखता हूँ कितना है, कोस अंडर द रूट म्यू टी प्लस के 2 डिवाइडेड बाई 2 सी प्लस के डी कोस अंडर द रूट म्यू सी माइनस के डी टी माइनस के टी माइनस के 2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर, आगे की बात करता हूँ, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है इसलिए इसको लिख रहा हूँ मैं। 6 इज इक्वल टू, और यहाँ फार्मूले में 2 भी होता है, ओके। ये देखो, ये 2 मैंने छोड़ दिया था, 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, ये तो हुआ 2a, और यहाँ हुआ मेरे पास कोस टी प्लस के टी अंडर द रूट म्यू तो है ही 2t प्लस के 2 डिवाइडेड बाई 2 और कोस अंडर द रूट म्यू तो ये है ही टी से टी कैंसिल माइनस के 2 डिवाइडेड बाई 2, इससे ये कैंसिल, ओके। 6 इज इक्वल टू जो निकला, ये निकला 2a कोस अंडर द रूट म्यू, 2 मैंने कॉमन ले लिया, t+1 डिवाइडेड बाई 2 और कोस अंडर द रूट माइनस के म्यू इंटू, ये आया यहाँ माइनस, ओके। मेरे पास होता है बेटा कोस माइनस के थीटा इज इक्वल टू होता है कोस थीटा। एक बात और भी है, अगर आपने अंडर रूट के अंदर माइनस साइन लगा दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो चुका, बहुत बड़ी गलती हो चुकी, क्योंकि अंडर रूट हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 के लिए ही डिफाइन होता है, नेगेटिव वैल्यू के लिए रूट निकाला नहीं जा सकता। और अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर अप्लाइड मैथमेटिक्स में वैलिड नहीं होता। इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बड़ी गलती कर सकते हो, ये जो -1 है ये अंडर रूट के अंदर नहीं डाल सकते हो आप। क्लियर, तो यहाँ से मेरे पास जो निकल कर के आ 6 इज इक्वल टू, ये हुआ 2a और ये हुआ कोस अंडर द रूट म्यू t+1, ओके, और ये हुआ कोस अंडर द रूट म्यू, क्योंकि कोस माइनस के म्यू की वैल्यू कोस म्यू होगी। आगे देखता हूँ बेटा, मेरे को क्वेश्चन के अंदर साफ साफ दिया हुआ है कि ये जो 5 है ना, इसको देखता हूँ क्या है। सेकेंड इक्वेशन की बात करता हूँ, ये जो मेरे पास 5 है ना, 6 इज इक्वल टू, इसको मैंने लिखा 2 तो ये है a कोस अंडर द रूट म्यू t+1 इंटू कोस अंडर द रूट म्यू, ये आ चुका ना। अब ध्यान से देखना क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड, 5 इज इक्वल टू मेरे को दे रखा है, ये देखो आप 5 इज इक्वल टू दे रखा है a कोस अंडर द रूट म्यू t+1, ओके, यानी a कोस अंडर द रूट म्यू t+1 बराबर 5 पुट करने पर कहाँ से, सेकंड इक्वेशन से, ओके। चलो भाई देखता हूँ, पहले तो एक काम करो आप, 6 बराबर 2 इंटू ए कोस अंडर द रूट म्यू t+1 की वैल्यू हो चुकी 5 और ये निकला मेरे पास कोस अंडर द रूट म्यू 6 इज इक्वल टू, 5 दूनी 10, क्लियर है ना। कोस अंडर द रूट म्यू 6/10, इधर करता हूँ यहाँ पे 6/10 इज इक्वल टू कोस अंडर द रूट म्यू, कट करो 3 5, 3/5 इज इक्वल टू कोस अंडर द रूट म्यू, कोस म्यू की वैल्यू निकालो आप, कोस अंडर द रूट म्यू इज इक्वल टू 3/5। अगले वाले पेज पे चलता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ, कितना निकल गया मेरे पास भाई, कोई बात नहीं, एक बार बार एक्स्ट्रा लिखते तो क्या फ़र्क पड़ गया यार। यहाँ से वैल्यू निकली अंडर द रूट म्यू इज इक्वल टू, जो निकला वो निकला कोस इनवर्स 3/5। मेरे को चाहिए है टाइम पीरियड, वी नो दैट टी इज इक्वल टू जो होता है बेटा 2π/√μ से,
तो टी इज इक्वल टू जो निकला बेटा 2π/√μ की वैल्यू कितनी निकल गई रे, ये निकली मेरे पास कोस इनवर्स 3/5। ओके आगे चलता हूँ, मेरे को जो सिद्ध करना है बेटा क्वेश्चन ये सिद्ध करना है कि 2π/θ होना चाहिए। माना कोस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा, तो टी इज इक्वल टू कितना निकल गया यहाँ से। तो टी देखो बेटा, पहले तो आप टी सेट कर लो, टी इज इक्वल टू हुआ आपके पास 2π/θ। अब यहाँ से थीटा सेट करो, ये हुआ कोस थीटा इज इक्वल टू 3/5, कोस थीटा इज इक्वल टू 3/5, टी इज इक्वल टू 2π/√μ। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके बाय।